हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मुकाबला। फिर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीपेड सिम क्या होता है और पोस्ट पेड सिम क्या होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आप सिम से रिलेटेड और भी वीडियो को देख पाए। और अगर आपके पास किसी भी सिम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रीपेड सिम क्या होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम प्रीपेड सिम की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो है रिचार्ज कराना पड़ता है, तभी हम किसी भी सेवा का यूज कर पाएंगे, जैसे कि इंटरनेट, किसी को कॉल करना या फिर एसएमएस करना। तभी हम यूज कर पाएंगे जब हमारे फोन में रिचार्ज रहेगा। आमतौर पे जो हम लोग सिम यूज करते हैं वो जो है प्रीपेड सिम ही होता है। इसमें हमको पहले रिचार्ज कराना पड़ता है, तभी हम किसी भी सेवा का यूज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ्रेंड बात कर रहे हैं पोस्ट पेड सिम की, तो यहाँ पे आपको जो है पहले यूज करना होता है और फिर जो है रिचार्ज कराना पड़ता है। ये प्रीपेड सिम का उल्टा होता है। इसमें आपको जो है मंथली या फिर ईयरली जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसमें आपको पहले यूज करना होता है, जितना आप यूज कर पाए उतना यूज करना होता है, एक महीने या फिर एक साल में। इसके बाद आपको जो है मंथली या फिर ईयरली जो है पैसे देने पड़ते हैं, आप जिस तरह से जो है प्लान लें। तो अब तक आप जान गए कि प्रीपेड सिम क्या होता है और पोस्टपेड सिम क्या होता है। अगर आपको सिम से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास सिम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो नीचे कमेंट करिए।